ये लोग हो चुके हैं पागल, कह रहे चलान कटा है तो बाहर खा के आते हैं। भाई ये लोग नहीं माने वन स्टार पुलिस से बस्टेड होने के बाद भी पार्टी। व्हाट्स अप गाइस, आई एम सिद्धांत, यू आर वाचिंग चैनल इंडिया, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जा रहे हैं बाहर खाने और शेक पीने या ऐसा कुछ, बाहर कुछ अच्छा। और ये पीने या ये है ना जुतियां पहन के आई है, देखो अच्छी लग रही है, ऐसे नहीं दिखाना, ऐसे नहीं दिखाना, तो कैसे दिखाना है, अलग से क्लोज अप करूं क्या तुम्हारा? मैं नौटंकी, फालतू नौटंकी, भाग के दिखाना है नहीं। फिर गाइस ये मेरा दशहरा आउटफिट ऑफ द डे है, इसको जलाएंगे आज हम। जूती पहनी, इतनी अमेजिंग जूती, और मेरा टॉप भी जूती वाला है। और अभी और अभी हम तीर लाके इसके पेट में मारेंगे। चुप रहे, दिस इज फेस्टिवल वाइब्स। और मैंने इयररिंग भी पहने, पर मैंने ना दोनों कान में एक ही कान में पहने, बहुत ऐसे आलस था मुझे। आई एम वेरी लेजी, इयररिंग इतनी डिटेलिंग नहीं पूछी हमने, अभी तो बता देगी, अभी तो कहेगी मैंने लिपस्टिक इस कलर की लगाई है, मैंने आंखों पे काजल ये ब्रांड का लगाया, इतनी डिटेलिंग पूछी हमने। नहीं मुझे बस इंडियन आउटफिट दिखाना था, आई एम बैक टू नॉर्मल, जैकेट पहनी मैंने। सो यार अगर हम कार पे नहीं जाने, हमारे घर के पीछे ही है वो एक कैफे है, तो हमने कहा ऐसे ही वहाँ पे जाके दशहरा थोड़ा ऐसे ही खा पी आते हैं कुछ। मुझे लगा कह रहे वहाँ पे जाके ऐसे दशहरा मनाते हैं, इनका वहाँ पे कौन नहीं बैठा, मतलब ऐसे ही दशहरा फेस्टिवल के बाहर और क्या। हाँ एक है ना यहाँ पे हेयर सैलून है, तो उसका स्पेलिंग है SIOBHANS, मतलब मैं भी पहले ये बोलता था, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी मेरी कंपनी में कोई है तो उसका नाम है, तब मेरे को पता है, तो उसको शिवान कहते हैं, तो ये हर बार ना शियो बहान बोलती है, क्योंकि हमारे घर तो के मैं इसको के दोस्त थे, उनका ऐसे ही कुछ नाम था, तो मेरा मन कर रहा था बोलने का, तो मैं इसको बताया कई बार शिवान होता है, शिवान बोलते हैं इसको, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, यहाँ पे अगर आओ SIOBHANS लिखा हो ना, तो उसको शियो बहानी शिवान कहते हैं। चाय फ्लेवर मैंने ये मंगाया, मिल्क शेक, इसमें लेकिन लेट्स चिल, यहाँ पे नया खुला है अभी हमारे यहाँ पे रिमोट में, इसने एक कान में पहना। अब क्यों बता रहे, अब खुद को इन्फॉर्मेशन देनी है और वीडियो बड़ी करनी है तो कुछ ही बकना है, मैं बकूँ तो दिक्कत, ये बकती है मैं तो बोलता हूँ। इसकी ये फ्रैपे आई है, मेरी मिल्क शेक चॉकलेट, दिखाओ दिखाओ चार चीनी के पैकेट यहाँ से उठा के डाल चुके, चार पैकेट कौन डालता है चार, ओहो तो पिघलेगी भी तो ठंडा, ये कितना, मैंने तो एक पैकेट भी नहीं डाला, ये अच्छी है यार, मेरे को भी ये पीनी थी। चुप रहो, चार पैकेट डाल चुके लखन है। मैं तो लेता बढ़िया चीज़ हूँ, मैंने इसको बोला कि एक बार टेस्ट करा ये वाला, मैंने टेस्ट करा, मेरा तो बहुत अच्छा, इसको इतना कड़वा अभी चार चीनी डाल चुकी है मैंने, उसके बाद इसके तीन चार घुट लिए, इतना कड़वा नहीं है, समझ नहीं आ रही है तेरे को बात, अरे आउट ऑफ योर माइंड, पिघली नहीं इसलिए चार डाले, मैं एक चीनी डालती हूँ, तो मैं तो तुम्हारी साइड ही ले रहा हूँ कि इसमें 10 चीनी डालो तो भी कम, इतना कड़वा है, बहुत कड़वा है। मैं तो नहीं आई हूँ इसके साथ, यहाँ पे पीछे बच्चे बैठे हैं और वो ऐसे खेल रहे हैं, कचर कचर रहे हैं, ये भी ऐसे इसमें पिए जा रहे हैं, ऐसे फूंक मारे जा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे में ना आइसक्रीम है तो वो स्ट्रॉ में अटक जाती है, बार बार आती नहीं, तो ऐसे फूंक मार के निकालनी पड़ती है। दूसरे टेबल पर जाके बैठे, चलो हरकत ही खत्म नहीं हो रही, कह रही हूँ थोड़ी पिघल जाएगी फिर पी लियो। वो बच्ची बोल रही है अंकल यू लुक सो बैड, वो बार बार ऐसे देख रही, खुद ये बूढ़ी आंटी हो रखी मेरे को अंकल कह रही है, मेरे को ऐसे कह रही है, तो अपना किस्सा भूल गया, यू आर माय यंगर ब्रदर, इसको ऑलरेडी दो लोग अंकल बोल चुके हैं, इससे ना रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही।
तो ऐसी मजाक में। हाँ मजाक में, ये तो उल्टा प्रूफ कर रहा था कि मैं अंकल नहीं हूँ। 7 साल के बच्चों को क्या पता, कुछ ही बोल देते हैं। वही सच बोलते हैं, बच्चे सच बोलते हैं, भगवान का रूप होते हैं। अभी कह रही मैं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, अभी कह रही मैं अंकल हूँ, पता ही नहीं इसको कहना क्या। हरकत ही बोल रही मैं तो। गए सारे बच्चे चले गए इतनी देर से, हम ऊपर आए कि ऊपर बैठेंगे यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं शांति से, नीचे लोग होते हैं, पर ये लगी हुई है फ़ोन में और यहाँ पे बच्चे बैठे थे। बच्चों एक सब अच्छे से शेक पे स्टिकर लगे हुए थे ऐसे कुछ, पता है नहीं लेना क्या, ले लिया। ओ भाई साहब ये देखो हेलोविन थीम, ये देखो ये पीछे बूढ़ी हुई बैठी हुई है, उधर मकड़ी वकड़ी जाले में चमगादड़ फंसा हुआ है। तो मैं है ना उठ के ऐसे दिखा रहा था कि इधर ये है ऐसे चमगादड़ फंसा हुआ है, देखो इधर एक भूतनी बैठी है, इधर एक भूतनी बैठी है, बैठा अरे है क्या बच्चों की तरह लार टपकाए जा रहे ना, ये बात बोलते इसकी खुद की और रखी थी। बच्चों की तरह पीने में ही मजा है, वो क्या मजा था। बचपन में मेरे पास एक सिपर था ऐसा, तो इसमें ऐसे ही भर के, अब तो नहीं करता, मन भी नहीं करता करने का, छोड़ो। उसमें क्या करते ऐसे करके फूक मारते थे, उसमें से बुलबुले बनते थे दूध के अंदर। ऐसी फालतू इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, यूज़लेस एकदम। जो देखो आई नीड, चौका जब फंसा हुआ था स्ट्रॉ में ऐसे चुप कराया जाता है किसी को, मेरा चश्मा टूट जाएगा, ऑयल लगा हुआ सिर पे मेरे थोड़ा थोड़ा। वीडियो ही नहीं बन रही थी इतनी देर से, बहुत ही बढ़िया यार, इतनी अच्छी वीडियोस बनाई थी अभी। कुछ अच्छा लगा, कुछ कुछ मिस नहीं किया आप लोगों ने। हाँ बोलो, दो मिनट से बोल रहा हूँ, दो मिनट से बोल रहा हूँ। भूतनी भूतनी जो करा था वो भी नहीं है, कुछ ही नहीं बनी यार। इसके पता उसके शेक के पैसे नहीं लिए उसने, देखा उसको पता चल गया था कि ये बिचारी बंदी परेशान है। वो बोली आपकी फ्रेप पे पीछे कहीं अटक गई थी, वो हेलोवीन का सामान वान पड़ा है कुछ, तो वो उस हिसाब से बन नहीं पाई उसकी। मेरे उसके शेक के लिए 395 और इसके ब्राउनी इसने लिए। फिर मैंने कहा कि कुछ तो लूँ, खुद पैसे तो लगाऊँ दशहरे में, पे में नहीं करा तो डाल ही खुद से करती ना, फिर तुम्हें दिखता तुम्हारे अकाउंट में, ओह इस दिन दशहरा था, ओह इस दिन मैंने ये स्प्लिट पैसे मुझे दिखेगा, ओह इस दिन मैंने पैसे ये। यहाँ पे पीछे यहाँ पे सट्टा लगाने की दुकान है, यहाँ पे घोड़े भागते हैं, सट्टा लगता है। ये यहीं पे आता था एक दिन, इसको फिर गार्डन में पकड़ लिया, मैं बचा तो तुझे क्या पता लोग ये करते हैं। मैं यहाँ पे जब पहले दिन आया था डबलिन में, तब मेरे पास खुले नहीं थे, मैं 100-100 के नोट लाया था, तो मेरे को सिम लेनी थी, तो वो बोले यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कैश के सट्टे वट्टे चलते हैं, वहाँ पे आपको दे देंगे खुले। तो मैंने 100 का दिया, उसने 10-10 के दे दिए, इसलिए पता है। शट अप। और अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं इसको लेके, इसको लेकर जा रहे हैं, इसको यहाँ पे पकड़वाना है। ये हमारे यहाँ का पुलिस स्टेशन, ये देखो ये यहाँ का पुलिस स्टेशन, इसको अपना वीज़ा का कुछ एक्सटेंड कराना है। ये चेयर सेल पे है इसके लिए। भाई इतनी ठंड हो गई, इतनी ठंड हो गई, बहुत ठंड हो गई। हम पता है अभी यहाँ पे वो टेक अवे खुला है एक, तो उस पे हमने सोचा नान ले लेते हैं और घर पे कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो वो सोच रहे क्या बनाएं क्या बनाएं। तो हम घर जाएंगे, पहले कुछ सब्जी बनाएंगे अच्छी सी, फिर कार पे वापस आएंगे क्योंकि ठंड बहुत है। जिम कहती अंधेरा नहीं हो गया एकदम से, हो जाता। मैं अभी 2 मिनट जिम का पूछने गया, उससे पहले आई थिंक रोशनी आ रही थी, अंधेरा ही था, मैंने नोटिस नहीं करा होगा वीडियो में। फिर गाइज अभी हमने घर पे आके पालक आलू बना लिया, पनीर हमारे पास था नहीं, वरना हम पालक पनीर बनाते। आलू पालक बना लिया और मसाले तो हम इतने खाते नहीं, धुआं हो गया थोड़ा, तो आलू पालक हमने बनाया है। और अभी हम लेने जा रहे हैं नान, टीपी में एक दुकान थी वहाँ पे,
तो ऐसे बोलो जैसे दिल्ली के सीपी में रहता था। दिल्ली का सीपी से बढ़िया सीपी है वो। नहीं बहुत मेमोरीज है उस सीपी की, दिल्ली वाली सीपी की नहीं है हमारी इतनी। तो भाई वहाँ पे है ना ब्राउनी मिलती थी 100 रुपए की और 60 की भी आती थी। हाँ 100 का चॉकलेट ब्राउनी शेक आता था, 60 की ब्राउनी इतनी बढ़िया होती थी ना मस्त। उस हिसाब से तो महंगी है, पर अब वहाँ भी महंगी हो गई होगी, बहुत पहले की बात है। भाई अभी हम यहाँ पे नान लेने आए थे तो नान यहाँ पे है 2.5 यूरो का, एक है 5 के 2 थे। तो हम सब्जी तो बनाए थे तो ये बोले कि हम खाली कैश ही लेते हैं, तो मैंने कहा कैश मैं लेके आता हूँ। ये बोले फिर दे देना, पर फिर ये कहते हैं आप 2 नान ही ले रहे हो तो क्या पैसे दोगे, रहने दो। पर मैंने कहा नहीं पैसे तो मैं दूंगा, पर ये मना कर दिया, पर मैं लेके आता हूँ फटाफट पैसे, घर से कैश पीछे ही है हमारा घर। भाई हम नान ले आए, ये देखो भाई एकदम प्रॉपर नान है कितने बड़े, ये तो अभी इसने तोड़ दिया, खोलना एक बार हाफ, ये देखो कितना बड़ा है। मैं यहाँ पे चाय पी रहा, आज इसने चाय बनाई है बहुत टाइम बाद विद पार्ले जी बिस्किट। यहाँ पे 50 सेंट आता है पार्ले जी का पैकेट। अब मेरी 2-2 कॉल चलेगी एक साथ, मेरी ऑफिस कॉल भी चल रही है। मेरी ऑफिस वैसे 1 से 2 लंच होता है, बट महीने में 1 मीटिंग होती है जो 1:30 तक चलती है। और ये जो प्लेटफॉर्म है टॉप मेट जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ पे खुद स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने 1 से 2 स्लॉट खाली रख रखे हैं, अभी किसी ने सेलेक्ट कर लिया, कल ही करा था। और अब मेरी 1-to-1 कॉल भी है और यहाँ पे ऑफिस मीटिंग भी चल रही है। बट हाँ अगर आपको 1-to-1 कॉल चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डिस्काउंट चल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तब ज्वाइन करता हूँ 1-to-1 कॉल है। गाइज अभी मेरी 1-to-1 कॉल ख़त्म हुई है, जस्ट मयूरेश है अपना ही सब्सक्राइबर एक, उससे अभी बात करी है। तो आप में से जो भी लोग जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, आपको भी चांस मिल सकता है मेरे चैनल पे आने का, एंड मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो अभी मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, इंस्टा पे मैंने स्टोरी डाली थी, बहुत लोगों ने बोला है कि हमारा इंटरव्यू लो। धीरे धीरे सबके साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, बहुत जल्दी वीडियोज़ आएगी। एंड 1-to-1 कॉल शेड्यूल करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके शेड्यूल कर सकते हो। नाउ बैक टू वर्क, 10 मिनट्स में वापस ऑफिस मीटिंग है। यार अभी हम सिलाई को आए थे, आत्या की वॉच वापस करने और एक जैकेट, 160 यूरो की दोनों चीज़ें थी, 165 ठीक है। और वो शॉप बंद होने वाली थी और ऑफिस भी था मेरा, तो मैं फटाफट आए हम, तो मैं तेज चला रहा था और मेरा चलान कट गया ओवर स्पीडिंग का 160 यूरो का। इतने की चीज़ वापस नहीं करी, इतने का चलान कट गया, रख ही लेते वो चीज़ें, इससे बढ़िया जो होना है वो तो होना ही होता है, वैसे मैं कह रहा हूँ, पर बहुत ख़राब लग रहा है यार। मैं 140 पे चला रहा था, 100 की स्पीड लिमिट थी, 138 पे, वैसे मैं चलाता नहीं इतना कभी, 120 तक चला लो चाहे, 100 बहुत गलत हुआ यार। 160 यूरो का फाइन तो लगा ही लगा, मेरे पेनल्टी लग गई मेरे लाइसेंस पे 3 की, और शायद 7 होता है कि 9 होता है, फिर मेरा लाइसेंस जब्त हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, अगर उतनी पॉइंट लग गए तो। 3 पॉइंट लग गए, मेरा इंश्योरेंस भी महंगा होगा, मैं आगे कराऊंगा क्योंकि मेरे पेनल्टी लगी हुई है। अजीब सा हो रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी हो रहा है यार, बहुत बेकार वीडियो बन रही है, मेरे को पता, मैं अभी नहीं बाद में बनाऊंगा इसकी वीडियो पर। खरीद सके कुछ, ये लोग हो चुके हैं पागल, कह रहे चलान कटा है तो बाहर खा के आते हैं। तुम कहाँ घूम रहे, तुम्हारी आवाज तो नहीं समझ। तू अपनी स्टोरी बताना चाहेगा क्या? 30 रुपए वाली चलान की है? नहीं, इतने सालों पुरानी स्टोरी बताई, क्या करूंगा मैं। ठीक है, हमारे साथ एक नए संवाददाता जुड़ते हुए। संवाददाता स्पेलिंग बताना, हिंदी में बैटरी है नहीं। भाई ये लोग नहीं माने, 1 स्टार पुलिस से बस्टेड होने के बाद भी पार्टी चल रही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये बिरयानी, रैप बिरयानी, चलान कटने के बाद पार्टी हो रही है ये। और मेरे को तो अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को यार पहला चलान कटा है मेरा, बहुत बुरा लग रहा है। और आपके 3 साल तक नहीं हटती पेनल्टी पॉइंट लग जाए तो, 2 दिन बाद कुछ बुरा ही लग रहा होगा, बातें कर रहा होगा। हाँ वो बात सही है, वैसे इंडिया चल जाएंगे 2 दिन बाद तो बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इंडिया में तो पेनल्टी पॉइंट वैलिड होंगे नहीं यहाँ वाले नहीं
धीरे चलाएंगे अब से। मैं कह रहा था कि हाँ 3 पॉइंट लग जाए ना तो फिर आपके वापस नहीं लगते, मतलब वापस कह रहा हूँ फिर 3 साल तक नहीं हटते, वो 3 साल इसी डेट को हटेंगे। और अगर मेरे 7 पॉइंट लग गए तो मेरी लाइसेंस जब्त हो जाएगा, और अगर मैं 150 से ऊपर चला रहा होता तो जेल भी हो जाती है 6 महीने की, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द ऑफिसर। बाकी बताएंगे अभी पूरा व्लॉग अपने ऊपर रखे। इंडिया जाके तो ये 60 पे चलाएगा और अंकल बोलेंगे बेटा क्या हो गया, आयरलैंड के रूल्स बहुत अलग है क्या? मैं वापस 80 पे आया हूँ, 100 की लिमिट थी तब भी 80 में पैदल चल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और गाइज हाँ, मैं अपने बर्थडे मंथ का डिस्काउंट हटाना भूल गया था, बट हाँ इस यूट्यूब वीडियो के बाद मैं हटा दूंगा। जिन्होंने स्केड्यूल कर ली उसके बाद डिस्काउंट हट जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो आपको करनी है बात करनी है 15-20 दिन बाद कभी भी, तो अभी स्केड्यूल कर लो, अभी डिस्काउंट चल